500 सालों का इंतजार आज खत्म हुआ, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं सभी जनता का और सभी हमारे भावनगर निवासियों का धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्लस मैं जनता दरबार का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज वो मीडिया का कवरेज कर रहे हैं और ये पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरे वर्ल्ड में बनाया जा रहा है ये उत्सव एक दिवाली के रूप में। और हम सब इतने खुश हैं कि आज हमने भी अपने छोटे से एक मंदिर में, हमारे भाननगर मंदिर है जो अभी रिसेंटली 1 साल पूरा होने को जा रहा है 3 तारीख को, तो उसमें भी हमने राम जी का आज दीप उत्सव किया था और मंदिर समिति के जो मेंबर्स हैं उन्होंने दिन रात एक करके आज ये भव्य आयोजन किया है। 1100 दीपक भी जलाए हैं इन्होंने और सुंदरकांड का पाठ वगैरह सारी चीज़ें हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? हम कॉलोनी वासी बहुत प्रसन्न है कि आज अयोध्या में भी राम मंदिर की स्थापना हुई है और हमने भी उसी तरीके से किया है जैसे राम वापस आए थे, और वैसे ही दिवाली की तरह से हमने भी घी के दीपक जलाए। सभी लोगों ने बड़े उत्साह से काम किया है, राम सुंदरकांड का पाठ हुआ है, दीपक जलाए हैं और फूलों की झांकियां की है और काफ़ी रंगोली वगैरह सब की है। बहुत महानगरवासी बहुत ही खुश है। क्या सारे दिन कैसा उत्सव मनाया, क्या क्या कार्य किए आप लोगों ने? हम लोगों ने बहुत प्रसन्न मन से मंदिर को सजावट की, दीपदान किए 1100 दीपक के, और सुंदरकांड का पाठ किया सभी ने मिलके, और भगवान का श्रृंगार किया जो बहुत ही अद्भुत था। हम सभी भाननगरवासी बहुत प्रसन्न हैं और एकजुट होके हम लोग इस कार्यक्रम को सफल करते हैं। आज रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? रामलला घट घट में है, कण कण में है, हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद जो आज राममय हो रहा है, पूरा हिंदुस्तान, पूरा संपूर्ण भारतवर्ष, विश्व पूरा राममय माहौल हो गया है, दीपावली सा माहौल हो गया है, जगमग हो रहा है। और भगवान श्री राम जो पालनहार है, पालन पोषण करता है, और इस मंदिर समिति द्वारा जो भव्य आयोजन किया गया है तो मंदिर समिति का विशेष धन्यवाद। और मैं आपको एक ऐसे दंपति के बारे में बताऊँगा जो हमारे दीपक बाजोरिया जी और नित्या जी, ये निरंतर इस भाननगर मंदिर में अपना सफाई व्यवस्था, सारी व्यवस्था, योगदान, और श्याम बाबा के अन्य भक्त, इनके भी विचार आप लीजिए प्लीज। क्या कहना चाहेंगे सुबह से आपने? हाँ जी, आज बिल्कुल सुबह से इन बच्चों के समेत, आज बच्चे भी पूरा उत्सव मना रहे हैं, आज छुट्टी का पूरा आनंद लिया है सब बच्चों ने भी। ये रंगोली सब बच्चों की बनाई हुई है। आज सुबह से हम लगे हुए हैं भाननगर को एकजुट करने में, एक उत्सव मनाने में। यही उत्सव हैं जो हम सबको एक करते हैं, यही विचार है जो हम सबको एक करती है, भावना है जो हम सबको एक करती है। राम जी का क्या संदेश देना चाहेंगे? जो राम जी है, राम पुरुषोत्तम श्री राम, उन माया पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम, तो उनका जो संदेश है स्वयं का वो यही है कि सब राम राज्य वापस आए। राम राज्य का मतलब जहाँ पे मन से सब लोग एक साथ जुड़े, जहाँ चोरी चकारी चीटिंग ना हो, पहले एकजुट होकर सारा काम करते हैं। जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो बहुत ही एक्टिव है और सेक्रेटरी भी, तो इनके संरक्षण में हम सब काम करते हैं जो बहुत उत्साहपूर्वक होता है।